हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम ओप्पो A5 2020 को ZSISP टूल से अनलॉक करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से यूजर्स के कमेंट आ रहे थे कि सर ZSISP टूल के ऊपर भी वीडियो बनाइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, ये ZSISP टूल है और बहुत से लोग इसमें पूछते भी थे कि UMT में और इसमें से बेस्ट कौन सा है। देखिए, इसके अंदर जो IC आती है यही वाली, सेम यही IC मेरेकल टूल में भी आती है, सेम यही UMT ISP टूल में भी आती है। देखिए, इसमें बस डिफरेंस इतना होता है कि इसके अंदर आपको जैसे UMT के अंदर रेजिस्टेंस लगाने पड़ते हैं, इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं लगाने पड़ते हैं। बाकी लगभग लगभग इनका पूरा सर्किट सेम है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा IC और है, जो एक पावर रेगुलेटर IC होती है, जो कि जिसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 3.3 और 1.8, और वैसे यहाँ पर एक 3.3 की सप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो पावर रेगुलेटर यूज़ किए गए हैं, बाकी इसमें ZSISP टूल और UMT ISP टूल में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस फ़ोन के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर इमरजेंसी में जाकर के हमने *#899# देखिए टाइप किया, इसके बाद सॉफ्टवेयर वर्जन पर क्लिक किया, इसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप CPH 1931, देखिए CPH 1931, ठीक है। तो ये ओप्पो A5 2020 EMMC है। एक इसमें CPH 1933 होता है, जो कि UFS चिप में आता है, तो इसलिए हम जो है इसको अभी अनलॉक करेंगे UMT टूल में, और हम इसके लिए ISP टूल यूज़ करेंगे, ZSISP टूल, ठीक है। सबसे पहले हम इस फ़ोन को जो है ओपन कर लेते हैं और ISP जंपर लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ZSISP टूल के अंदर जो है जंपर कर दिए हैं, ग्राउंड डेटा जीरो CMD सील के 4 जंपर हमने इसके अंदर लगाए हैं। सबसे पहले जो है हम इसके अंदर USB केबल लगा रहे हैं, जो कि हम कंप्यूटर से लगा रहे हैं। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम USB केबल चार्जर से लगाना है, तो मैं कहूँगा अगर आप इसे कंप्यूटर से लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे चार्जर से भी काम हो जाता है, लेकिन आप USB केबल लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अब मैंने यहाँ पर ये ZSISP टूल के अंदर इसको कनेक्ट कर दिया है। देखिए, यहाँ पे USB डिवाइस स्टोरेज इसने दिखाया है, लेकिन हम यहाँ पर कंफर्म करने के लिए जेनेरिक स्टोरेज पे जाके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे और पॉपुलेट पे क्लिक करेंगे। देखिए, हर बार करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कनेक्शन चेक करने के लिए इसमें कन्फर्म हो जाता है कि हाँ कनेक्ट हो चुका है। देखिए, यहाँ पर स्टोरेज का साइज आ गया है और गाइड पार्टीशन टेबल शो हो गया है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, सीधे स्कैन बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए, स्कैन करने पे यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है, और इसके बाद मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए, ये फ़ोन जो है हमारा कनेक्ट हो गया है। ये देखिए ZSISP टूल में लाइट ब्लिंक हो रहा है, और इसके बाद मैं यहाँ पर सर्विस में आता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर फॉर्मेट यूज़र डेटा और सेव फॉर्मेट लिखा है, यहाँ पर जस्ट मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा। देखिए, यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक करी है और नीचे लिखा आ गया है ऑपरेशन फिनिश्ड, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो ZSISP टूल को यहाँ पर डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में USB केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में जो है हम यहाँ से सबसे पहले जंपर को रिमूव करेंगे। देखिए, हमने इसके अंदर से ये ZSISP टूल को रिमूव कर दिया है, और देखिए इसके अंदर हमने ओनली 4 जंपर लगाए थे। देखिए, इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जिस वजह से जैसे UMT ISP टूल के अंदर रेजिस्टेंस लगाने पड़ते थे, इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं लगाना पड़ता है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज लगभग लगभग ये सेम ही है। देखिए, अब जो है यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे लाइव आपके सामने। देखिए, यहाँ पर हमने इसको इसके अंदर अभी लगा दिया है, और अब हम यहाँ पर ये डिस्प्ले के कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया है, और ये हमने यहाँ पर इसकी बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। और सबसे पहले हम इसके अंदर ऑन करके देखते हैं। देखिए, ये हैंडसेट ऑन हो गया, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि अभी फॉर्मेटिंग लेगा ये। देखिए, ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन आ गया है।
देखिए ऑन होने में ये अभी कुछ लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा। हम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे ताकि इसमें इसकी लोडिंग में हमारा टाइम ख़राब ना हो। देखिए ये ऑन हो चुका है और अब हम सबसे पहले इसके क्योंकि इसके अंदर अभी FRP है तो उसके लिए हम इमरजेंसी में जाएंगे और इमरजेंसी में जाने के बाद *#813# और कुछ समय हम वेट करेंगे। देखिए इसकी FRP जो है बाईपास हो चुकी है और ये फ़ोन अब पूरी तरह से अनलॉक है। देखिए ये फ़ोन अब पूरी तरह से अनलॉक है। देखिए हमारे बहुत से व्यूअर्स का कहना था कि हमने अभी तक ZS ISP टूल के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए हमने अभी ये ZS ISP टूल के ऊपर वीडियो बनाया है। और देखिए जितने भी ISP टूल आते हैं अगर आप उसे सही ढंग से यूज़ करते हैं, सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो लगभग ये सभी टूल वर्क करते हैं। और देखिए ये ZS ISP टूल भी काफ़ी अच्छा टूल है और UMT और इस टूल के अंदर डिफरेंस इतना ही है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं लगाने पड़ते हैं और इसके अंदर 2 पावर रेगुलेटर IC होती है जो कि UMT ISP टूल के अंदर एक ही होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके अंदर मेन IC जो होती है वो सेम ही होती है जो बाकी सारे फ़ोन्स के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।